संगम नगरी इलाहाबाद में प्रशासन ने सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर मकानों पर बुलडोजर चलाया है। सराय खुल्दाबाद क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जहां प्रशासन के आदेश के बाद एडीए और नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की है। वहीं नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद इलाके में तबाही जैसे मंजर देखने को मिले हैं, जहां सड़कों पर मलबों का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासन ने मकान खाली करने का कम वक्त देते हुए कार्रवाई की। दिक्कत सर जी इतनी बड़ी है कि हम अगर रोके भी बताएं तो वो कम है। आंखों में आंसू भरा हुआ है लेकिन आंसू निकल नहीं रहा सर जी। ये मेरी आवाज़ अगर आप ऊपर तक पहुंचाएं और मेरी सांसों को रुकते हुए बचाएं तो ये बहुत बड़ी महानता आप लोगों की होगी, क्योंकि मीडिया से बढ़कर इस समय कोई हमारी मदद नहीं करने के लिए तैयार। बहुत साल पुराना है, कम से कम 500 साल पुराना सर जी, और यहाँ सब मर रहे हैं। मेरे आंसू गिरने वाले हैं लेकिन गिरा नहीं पा रहा। नहीं सर, ये 90 साल में पहली बार ऐसा फरमान आया है किसी भी सरकार के द्वारा। ये परेशानी का सबब इसलिए और ज़्यादा बन जाता है कि जब हमने अतिक्रमण किया ही नहीं पिछले 90 वर्षों में, जो भी प्लान आए वो 1950 के बाद हमारे संविधान बनने के बाद आए। उसके पहले के जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का किसी भी शासन प्रशासन या किसी भी सरकार का कोई हक नहीं बनता कि जब तक वो उनको कहीं विस्थापित ना कर दें उनको वहाँ से हटाएं। अगर उनको रोड की ज़रूरत थी तो पहले वो हमको बताते, हमको कहीं विस्थापित करते या हमारे मुआवजे की कोई बात करते, उसके बाद जो है वो हमारे लिए ऐसी चीज़ लाते ताकि हमारी रोजी रोटी भी चलती रहती, हमारी जीविका चलती रहती, यहाँ के लोगों को ना दिक्कत होती। आज ये हो गया है कि यहाँ के लोगों के साथ बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए इस रोड पे चलना मुश्किल नहीं, एकदम दुर्भर हो गया है। उनको घूम घूम के 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे दूसरी रोडों पे भी ज्यादा लोड पड़ रहा है, अधिक दिक्कतें आ रही। आपको बता दें कि सराय खुल्दाबाद लगभग 500 साल पुराना क्षेत्र है, जहां पर पिछले 200 सालों से लोग रह रहे हैं। बहरहाल प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद से सैयद रजा, पंजाब केसरी टीवी।